Maybach music. Can anybody out there hear me? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी सबा खान और इस खूबसूरत से सुबह के प्यारे से व्यू के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं और हम देखते हैं कि आज के व्लॉग में क्या शेयर करना है। तो जी यहाँ जो है ना सुबह सुबह का टाइम था, सुबह सुबह का तो खैर टाइम नहीं था, सुबह सुबह का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। जब मैं नाश्ता कर चुकी थी उसके बाद दोपहर के बज रहे थे तकरीबन 12:30 से 1 का टाइम हो रहा था और मैंने जो है ना ये पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैं यखनी चढ़ा रही थी चिकन की। तो आप भी सोच रहे होंगे यार ये बार बार पुलाव ही क्यों बनाती है। तो जी मेरी जो नंद है ना हिना वो जा रही थी लाहौर अपने ससुराल वालों के साथ घूमने फिरने, तो जो है ना उसने मुझसे फरमाइश की थी कि सबा तुम मुझे पुलाव बना देना रास्ते के लिए। तो उसकी जो है ना 3 बजे की फ़्लाइट थी उसकी, तो मैंने जो है ना उनको जो है ना मतलब पुलाव बनाने के लिए मैंने जो है ना कहा कि हाँ ज़रूर मैं बना दूंगी। यार जब कोई आपको बोलता है ना तो आपको बहुत खुशी होती है, और जब कोई आपको बोलता है तो बड़े मान से बोलता है कि आपको जो है ना मतलब बहुत अच्छा फील होता है। और ख़ासतौर पर मुझे जब कोई किसी कोई काम का बोलता है ना मुझे बहुत खुशी होती है कि यार इसने हमें समझा, इसने हमें इतना मान दिया कि हमसे काम करवा रहा है। तो अगर आपसे भी कोई काम बोलता है ना कोई तो आप फटाफट से कर दिया करें, मुझे तो बहुत खुशी होती है दूसरों के काम करके। और जो है ना कोई आपको इतने तो जो है ना यहाँ जो है ना पुलाव के लिए मैंने पतीला भी चढ़ा दिया था, यखनी हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी, ऑयल डाला। ऑयल के बाद मैंने इसमें सिंपल कुछ भी नहीं डाला, बहुत इजी पुलाव है। अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और कड़ी पत्ता जो है ना पुलाव का मज़ा जो है ना दुबाला कर देता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और खुशबू भी जो इसकी होती है ना बहुत ही मज़ेदार होती है। तो ये मैंने स्पून जो है ना ऑनलाइन दराज से परचेज़ किया था, इसके अंदर स्पून रखने का ये बहुत अच्छा स्टैंड था। तो कोई भी हम काम कर रहे थे ना तो स्लिप पे स्पून नहीं रखते हम लोग, ये वाला रख देते हैं। तो ये देखें जी पुलाव के अंदर मैंने डाल दिए थी सब चीज़ें और बस इसको जल्दी जल्दी से घुमा रही थी। साथ साथ फूल जो है ना मेरे साथ हेल्प भी करवा रही थी खाना बनाने में, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और जल्दी जल्दी से हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी। और भाभी ने उनको बना के दी मैक्रोनी ब्राउनीज़, और मैंने साथ इसके जो है ना पुलाव के रायता सैलड वगैरह, ये थोड़ा सा जो है ना टेस्ट अच्छा लगता है। सिर्फ हरी मिर्चों का पुलाव बनता है, बहुत मज़े का, बिल्कुल वाइट। और कलर भी है, मज़े की बात आपको बताऊं इसका कलर जो है ना बहुत ही बिल्कुल वाइट कलर आता है ना, एक येलो आता है जो तहारी का आता है वो नहीं आता, बिल्कुल वाइट आता है। तो यहाँ जो है ना मीर अमल जो है ना सो रहा था, मैंने बोला जब तक जो है ना काम जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ जो है ना ये पुलाव भी हमारा रेडी हो चुका था, ये कड़ी पत्ते के साथ मैंने प्याज भी फ्राई करके निकाल दी थी। दही मेरे पास फ्रीज़र हुआ था क्योंकि मैंने कहा मंगाने में टाइम लगेगा, कोई था नहीं। हाँ जो है ना ये मेरा मल उठ चुका था और ये बिल्कुल जो है ना कह रहा था कि बस अब मामा मुझे गोद में उठा लें, बहुत देर से मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने इसको यही बोला, मैंने बोला चलो बेटा अब तुम्हें जो है ना गोद में उठा लेती हूँ। एक डेली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो आपके घर में भी होती होगी कि यार डेली क्या पकाएं। तो क्या पकाएं मैंने नेट से निकाला और जो है ना इसकी जो है ना मैंने कार्डशीट तैयार कर ली कि क्या क्या होना चाहिए डेली डिशेज में। एक दिन चिकन, दाल, सब्जी, आलू, अंडे, कड़ी और बीफ का। तो मैंने जो है ना एक चार्ट पेपर पे लिख लिया, इसके बाद में हम लोग डिश जो है ना डिसाइड करेंगे और उसको जो है ना फेयर कर लूँगी मैं। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, आपको धूप भी कितनी तेज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पर। और जो है ना देखिए अगर हम लोग जो है ना जो हमारे घर में ज़्यादा शौक से खाते हैं ना, तो जी शाम का टाइम हो चुका था, पुलाव वगैरह बना के हम लोग थोड़ी देर के लिए सो चुके थे। उसके बाद उठे और शाम की चाय के साथ हमें गरम गरम समोसे और रोल और जलेबी, ओ हो बड़ा मज़े का था ये सीन। और जो है ना साथ साथ हम लोग ये चीज़ें इंजॉय कर रहे थे। समरा मदरसे से आके सो गई थी, मैं उसके ऊपर चीख रही थी कि आप बस जल्दी से उठ जाओ क्योंकि इसको स्कूल जाना होता है। और देखिए व्यू कितना अच्छा हो रहा है, दोनों खिड़कियाँ भी खोल देते हैं और मौसम बहुत अच्छा होता है शाम को, और बहुत अच्छी जो है ना रोशनी भी आती है कमरे में।
तो यहाँ जो है ना मैं ये समरा को जो है ना पिज्जा बना के दे रही थी। समरा को जो है ना पिज्जा खाना है, उसका खाना खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। उससे बोला मम्मा मुझे पिज्जा बना दें, ये मायो गार्लिक सॉस और चिली गार्लिक सॉस, पीटा ब्रेड आती है ना, पीटा ब्रेड पे मैंने जो है ना ये इनको सोचा, जैसे जो पीटा ब्रेड होती है ना शवरमे की, उसके ऊपर मैंने पिज्जा ट्राई किया था तो बहुत अच्छा बना। तो सिंपल मैंने इसके ऊपर केचप मायनीज लगा दिया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाले बारीक बारीक चॉप करके, टमाटर डाले बिल्कुल बारीक बारीक से, आप चाहें तो आप लोग मतलब शिमला डाल सकते हैं। इस टाइम मेरे पास शिमला अवेलेबल नहीं थी तो मैंने जो है ना सिंपली टमाटर और प्याज डाले। उसके बाद मैंने जो है ना मैरिनेट किया हुआ था जो चिकन फ्राई किया हुआ था मैरिनेट करके, वो मैंने इसके ऊपर डाला और जो है ना सारे जो है ना उसके ऊपर देखें। और साथ साथ जो है ना मीर अमल भी तंग कर रहा है, मीर अमल भी रो रहा था कि बस मम्मा मुझे गोद में उठा ले। उसको सोने का टाइम होता है तो वो रोना शुरू कर देता है, और उसके खाना खाने का टाइम होता है तो भी वो रोना शुरू कर देता है। तो सारी चीज़ों में जो है ना वो बस रो के मुझे बताता है मुझे मेरा ये काम करना है। ये देखें जी कितना अच्छा अच्छा ये मैं क्रीम चीज़ें कह थी, बहुत मज़ेदार चीज़ होती है ये। तो ये थोड़ी सी मैंने कद्दूकश करके डाली थी, और साथ साथ जो है ना मैंने जो स्लाइस चीज होती है ना, हमेशा आप भी अगर यूज़ करें तो स्लाइस चीज़ ज़्यादा बेटर होती है, उससे जो चेडर चीज़ होती है ना उससे ज़्यादा बेटर होती है स्लाइस चीज़। तो ये देखिए जी मैंने कद्दूकश करके इस पर क्रीम चीज़ डाल दी थी, ये मैंने फ्रीज़र कर दी थी, इस वजह से जो है ना बिल्कुल ही ये बर्फ़ जैसी जम गई। ये मैंने कद्दूकश करके इसके ऊपर डाल दी थी, और फिर मैंने इसके ऊपर सारी चीज़ें जो है ना सेट करके, टमाटर प्याज शिमला मिर्च मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, वो सब कुछ डाल के मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी। और चीज़ डालने के बाद जो है ना साथ साथ आपको मेरे पीछे आवाज़ भी आ रही होगी मीर अमल के रोने की, तो उसका सोने का टाइम हो गया था, रात के 10 बज रहे थे और काफ़ी परेशान हो रहा था वो सोने के लिए। इसके ऊपर मैंने जो है ना मशरूम्स डाले थे, और जो है ना ये सारा जो है ना डेकोरेट करके इसके ऊपर मैंने हल्का सा जो है ना, अब इसको मैं मैरिनेट नहीं करूँगी, पहले मैं इसको हम लोग जो है ना तवे पर जल्दी जल्दी से जो है ना इसको डेकोरेट करते हैं। अगर आपके पास ओरिगैनो है, अगर आपके पास मतलब इसकी पिज़्ज़ा की जो सारी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और जो है ना इसको मैंने हल्का हल्का सा जो है ना तवे पे सेक लिया है ब्रेड की तरह, ताकि इसकी ब्रेड जो है ना थोड़ी सी मतलब जैसे सख्त हो जाए ना, नीचे से इसकी डॉ थोड़ी सी सख्त हो जानी चाहिए। तो पहले हम इसको जो है ना तवे पे मैरिनेट कर लेंगे, इसके बाद मैं इसको माइक्रो में इसके बाद इसको मैं बैक करूंगी, और इसको हल्के हल्के से घुमा के, ये माइक्रो में बैक होने के लिए ज़रूर होता है क्योंकि इसकी जो चीज़ होती है ना बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। तो बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हो रही थी फूल की बर्थडे, और भाभी ने अपने हाथ से केक बनाया था, बहुत अच्छा केक बना, बहुत ज़बरदस्त था। भाभी बहुत अच्छी बेकिंग करने लगी आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ थी हैप्पी बर्थडे फूल की। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है, खुश रहना।